नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सभी का खबर दोपहर में। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से यूपी में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है। बीते कल एक शूटर अरबाज को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। साथ ही पुलिस ने एक और आरोपी सदाकत खान को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या की साजिश बनाने में ये मुख्य किरदार था। इस आरोपी सदाकत की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहा है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं पर कल पुलिस ने अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया है और इसका मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान को हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर सामने दिख रही है, ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सदाकत खान जो है वो नजर आ रहा है। मामले में भाजपा सपा में शुरू हुआ ट्विटर वार। सपा की मीडिया सेल ने ट्वीट कर सदाकत को भाजपा का सदस्य बताया। सदाकत वर्तमान में बीजेपी का सदस्य था, जिसकी फोटो सपा के साथ जोड़ी जा रही थी। बीजेपी की पूर्व विधायिका नीलम करवारिया के घर पर नीलम के पति उदय भान करवारिया के साथ सदाकत की फोटो बीजेपी के साथ इस घटनाक्रम का कनेक्शन बताती है। इससे पहले भी एक बीजेपी नेता राहिल इस केस का मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है। टीवी स्क्रीन पे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से ये ट्वीट किया गया है और इस फोटो में बताया जा रहा है कि इस फोटो में बीजेपी का कनेक्शन दिखाया जा रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा कहती है कि बीजेपी से कनेक्शन बताया जा रहा है, वहीं बीजेपी कहती है कि सपा का कनेक्शन है। इस पूरे मामले को लेकर एक ट्विटर वॉर फिर से शुरू हो चुका है, फोटो वॉर भी कह सकते हैं उसको। उमेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, एसटीएफ ने नफीस अहमद को हिरासत में लिया। नफीस अहमद क्रेटा कार का मालिक है। एसटीएफ पुलिस की टीमें नफीस से पूछताछ कर रही हैं। माफिया आतिक अहमद का करीबी है नफीस। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये आतिक अहमद का करीबी है नफीस, जो कि एक रेस्टोरेंट चलाता है। नफीस अहमद अतीक का करीबी बताया जा रहा है और ये क्रेटा कार का मालिक था। तस्वीरों में आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये नफीस है और इसका अतीक अहमद से करीबी कनेक्शन बताया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद नफीस जो है फरार चल रहा है। पुलिस लगातार उसकी छानबीन कर रही है, खोजबीन कर रही है। और इस पूरे मामले में क्या कुछ बयान सामने आया है, आपको एक बार सुनाते हैं। विधायक के हत्यारे के खिलाफ जो मुख्य गवाह है, उसकी जिस प्रकार से दिन दहाड़े सरकार ने उनको सुरक्षा भी दे करके रखी थी, उमेश पाल को मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ। वह एक संघर्ष जा रही है और बहुत सामाजिक व्यक्ति थे और पिछले काफ़ी समय से भाजपा से वो जुड़े थे, लेकिन जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, वह निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घटना है और उमेश पाल की हत्या किया जाना यह बहुत दुखद है। और समाजवादी पार्टी का ऐसे अपराध को करने वाले, साजिश रखने वालों के खिलाफ अगर संबंध उजागर हो रहा है, आश्चर्य की बात नहीं है। जब पुलिस प्रशासन ही सरकार को खुश करने में लगा है और डायलॉग से नहीं सुधरेगी, ये सरकार सोचती है डायलॉग से किसी को सता के नफरत फैला के लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकती है। और ये अमेठी की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी डबल एंड ट्रिपल मर्डर हो चुका है अमेठी में, इलाहाबाद में और जगह से भी सूचना उत्तर प्रदेश में आती है। अधिकार सरकार जिस तरीके से डबल ट्रिपल मर्डर हो रहे हैं, क्या उनका भी इनकाउंटर करेगी? क्या इनकाउंटर यही है? और फिर
मैंने सदन में कहा कि सरकार को टॉप 10 टॉप 100 सूची माफियाओं की जारी करनी चाहिए। सरकार ये जब कहती है मिट्टी में मिला देंगे तो टॉप 10 टॉप 100 की सूची जारी करने में सरकार को क्या, सवाल ये नहीं है, सवाल डायलॉग पे चल रही है। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहिए। जो सरकार अपना डीजीपी नहीं बना पा रही हो, क्या उम्मीद करो कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? ये वो अधिकारी हैं जो सरकार तक सब इंफॉर्मेशन नहीं जाने दे रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री डायलॉग मारते हैं। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। प्रयागराज की घटना में सारे दोषी पकड़े जाएंगे और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा हम देंगे। समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया साफ हो गए हैं। जो भी घटनाएं हैं हमारे लिए चुनौती हैं, हम सभी घटनाओं को गंभीरता के साथ लेते हैं और हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपराध के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम इसमें नहीं छोड़ेंगे, कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो, हम कड़ी से कड़ी सजा देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमन चैन को, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को जो डिस्टर्ब करेगा, हमारी सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई करेगी और हम कानून के सभी उपायों का उपयोग करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा इस मामले में देने जा रहे हैं। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और उमेश पाल के परिवार जनों को, पीड़ित परिवार को हम इसमें न्याय दिलाएंगे। एक पकड़ा गया, दो पकड़े गए तो और भी तो है, और का भी तो गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। बता दें कि वही उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी भी चल रही है। कल अरबाज खान को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। वहीं पर सदाकत खान जो साजिश करता है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से यूपी में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है। बीते कल एक शूटर अरबाज को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। साथ ही पुलिस ने एक और आरोपी सदाकत खान को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या की साजिश बनाने में ये मुख्य किरदार था। इस आरोपी सदाकत की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सदाकत खान है कि जो कि इस पूरे हत्याकांड का साजिशकर्ता बताया जा रहा है। और इस सदाकत खान को पुलिस ने हॉस्टल, मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम हॉस्टल से ही सदाकत ने पूरी हत्याकांड की साजिश रची थी। तस्वीरों में आप जिसको देख रहे हैं वो सदाकत खान बताया जा रहा है, जिसको कल पुलिस ने मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया था। रूम नंबर 36 से ही सदाकत ने पूरी हत्याकांड की साजिश रची थी। ये फोटो जो है सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ सदाकत खान का कनेक्शन है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भाई उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए तो कल अरबाज खान को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है, कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक इस मामले को लेकर? आपको बता दें नंदनी कि इस मामले को अब तक एक गिरफ्तारी की गई है। जो देर रात से प्रयागराज हॉस्टल से गिरफ्तारी हुई, वही अगर बात की जाए तो कल एनकाउंटर हुआ, इससे कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कथन था विधानसभा के पांचवें दिन की कार्रवाई के दौरान, माफ करिएगा चौथे दिन के कार्रवाई के दौरान, कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसी को हमने आपको बताया कि प्रयागराज कमिश्नरेट लगातार दबिश दे रही है और केस, इस केस के हर एक पहलुओं को खंगाल रही है। इससे जुड़े हर एक सीसीटीवी फुटेज और तमाम दस्तावेजों को खंगाल कर और धरपकड़ की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी ला रही है।
आपको बताएं कि हत्याकांड के जो उमेश पाल हत्याकांड है उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश की जो सियासी घमासान है वो राजनीतिक दलों के बीच काफी देखने को मिल रहा है। बात की जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है और समाजवादी पार्टी के अंदर में कहीं ना कहीं फल फूलित हुआ है और अब कहीं ना कहीं प्रदेश में उसका तांडव देखने को मिला। वही समाजवादी पार्टी एक आरोपी के साथ अपने आईटी सेल में समाजवादी पार्टी आईटी सेल पे एक तस्वीर डालते हुए भाजपा से कनेक्शन की बात कह रही है और बताया जा रहा है ट्वीट के माध्यम से कि अल्पसंख्यक मोर्चा से ये जो अपराधी थे वो जुड़े हुए थे। वहीं आपको बता रहे कि पुलिस इसमें तमाम छानबीन कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम खुलासे भी सामने आ रहे हैं जिसमें ये निकल के आ रहा है कि पूरे मामले में छह नहीं बल्कि लगभग 13 शूटर इसमें सम्मिलित थे जो कि बैकअप में पीछे बैठे हुए थे गाड़ियों में। अगर बात की जाए तो अब तक सीसीटीवी फुटेज में छह लोगों की पहचान हुई है और पुलिस पूरी सक्रियता के साथ धरपकड़ कर रही है। माना जा रहा है कि जो शूटर है वो नेपाल भाग गए हैं। वहीं आपको बताएं कि इसमें एक और मामला सामने आया है कि बैकअप के अलावा जो साजिश का तैयार किया गया था वो अलाहाबाद के यानी कि प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल में पूरी रची गई थी कि कैसे इस पूरे घटना को अंजाम देना है। वहीं आपको बताएं कि साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से कुछ अपराधियों ने व्हाट्सएप के जरिए बात देखी थी जिसका भी खुलासा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चुनौती का विषय है कि जल्द से जल्द जो आरोपी और हैं उनको गिरफ्त में लेकर विधिवत कार्रवाई के लिए भेजा जाए। जी प्रभांशु, देखा जाए तो इस पूरे मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और कहा है कि उनके पूरे परिवार को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अतीक अहमद की पत्नी ने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर आग्रह किया है कि हमें सुरक्षा प्रदान करें और राजनीतिक पहलुओं के तहत हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है। और इस बात से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले में अतीक अहमद के पुत्र और तमाम उनके सहयोगियों के नाम जोड़ने के बाद कहीं ना कहीं देखे तो अतीक का जो परिवार है उसका जो तलवार के है वो लटकता हुआ नजर आ रहा है। इसको देखते हुए अब अतीक अहमद की पत्नी मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग कर रही है। बीते दिन भी वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुकी है जिसमें वो सुरक्षा की मांग कर रही है कि हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां इस मामले को लेकर अगर देखा जाए तो प्रदेश और साथ ही साथ देश के अंदर में सभी की निगाहें हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार दावा वादा करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में माफिया माफी मांग रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों ने सूबे के मुख्यमंत्री और पुलिस को चुनौती दी है और पुलिस पूरी चुनौती को स्वीकार करके धर बदर की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिनकी भी तस्वीरें सामने आई है, जो अन्य लगभग छह शूटर थे उनकी तस्वीरें आ गई है, तो कितनी जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस अपने गिरफ्त में उन्हें लेगी। जी सदाकत खान, जो हॉस्टल बॉयज मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया है कमरा नंबर 36 से, क्या कुछ उसको देखे सदाकत खान को मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। जी आपको बता दें कि इस मामले में सदाकत खान को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में कहीं ना कहीं पुलिस रख रही है और माना जा रहा है कि इलाहाबाद के मुस्लिम हॉस्टल में पूरे घटना को लेकर रोडमैप तैयार किया गया था। घटना के अंजाम से पहले सभी शूटर्स यहाँ मिले थे और देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर साझा करके और सपा पे हमला बोल रहे हैं तो वही भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हमला बोल रही है तो वही सपा के भी समाजवादी पार्टी आईटी सेल यानी कि सपा के आईटी सेल पे भी ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं सदाकत को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है। साथ ही कुछ क्षेत्रीय नेताओं के साथ तस्वीरें भी वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि सदाकत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के टच में था। अब देखने वाली बात ये होगी और चुनौती है कानपुर की, माफ करिएगा प्रयागराज की कमिश्नरेट के लिए कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी थे जिनकी वीडियोज आई है जिन्हें वीडियो के आधार पर पहचान की कर ली गई है इनको कब तक गिरफ्तारी होगी। और बात की जाए
तो जहां एक तरफ आज विधानसभा का आठवां दिन का कार्रवाई चल रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रही है। अभी अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव अपने संबोधन पे कानून के राज पर तंज कसते हुए कहा कि अब तक अपराधी कैसे घूम सकते हैं इतने बड़े अपराध को अंजाम देने के बाद। जी विवाद जो देखा जाए इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अतीक अहमद का नाम तो सामने ही आ रहा है, अब मुख्तार अंसारी का भी नाम सामने आ रहा है, उनके करीबियों पर छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस मामले में शुरू से ही माना गया था कि अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा इस पूरे घटना के अंजाम दिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तमाम अपराधियों की तस्वीरें निकाली। इसमें साफ हो पाया की बात की जाए तो चाहे बाकी जब घटना में आरोपी मुस्लिम समेत तमाम जो लोग हैं उनको पुलिस से कहीं ना कहीं देखे तो उनके पुराने आपराधिक इतिहासों को भी खंगाल रही है, जिसमें उन्हें उनका अतीक अहमद के शूटर होने के जो प्रमाण है वो मिल चुके हैं। अगर बात की जाए तो इसे उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने जहां एक तरफ एक अपराधी को कल मुठभेड़ में मार डाली, वहीं एक धरपकड़ में कल देर रात एक अपराधी को गिरफ्त में ली, उसके ठीक बाद कहीं ना कहीं देखे तो जो मुठभेड़ में मारे गए अफवाज जो है उनके अतीक क्या करीबी ड्राइवर निकला है, और माना ये जा रहा है कि जो गाड़ी थी इटनेटा वो भी उन्हीं लोगों की थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ कार की पहचान से अपराधियों को जाने के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो घटना में उपयोग प्रयोग हुई गाड़ी है वो एक अहम रोल बन के आ रही है, क्योंकि गाड़ी के स्वामी से पहचान करके और साथ ही साथ जो गाड़ी के स्वामी है उनको पुलिस की पूछताछ के लिए ले रही है। और बात की जाए तो इस मामले में ये निकल के आया है घटना में प्रयुक्त हुई क्रेटा कार अतीक अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य नफीज अहमद की निकली है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अन्य आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयागराज कमिश्नरेट के जो तमाम बात की जाए तो कमिश्नर है, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं और तमाम जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो कब तक अपराधियों को गिरफ्त में लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं अलर्ट घोषित करते हुए एसटीएफ को भी अलर्ट किया गया है, साथ ही साथ नेपाल सीमा को भी पूरी तरह से नेपाल सीमा पे भी अलर्ट करते हुए हर एक गतिविधियों पर निगरानी रखने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां धरपकड़ में अब तक एक एनकाउंटर और एक गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी अन्य जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी वो आने वाला समय बताएगा। जी विभाजु देखा जाए तो एक गुड्डू का नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी नंदनी विभाजु देखा जाए तो गुड्डू एक नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? तो जो अभियुक्त बात पकड़ा गया उससे तमाम सवाल पूछे गए वहीं पर हत्याकांड में शामिल सभी सूत्रों पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। सदाकत खान को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। उससे अतीक और अशरफ ने हत्याकांड की साजिश रची थी। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एक बार आपको फिर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान सामने आए हैं आपको सुनाते हैं। विधायक के हत्यारे के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उसकी जिस प्रकार से दिन दहाड़े सरकार ने उनको सुरक्षा भी दे करके रखी थी, उमेश पाल को मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ, वह एक संघर्ष और बहुत सामाजिक व्यक्ति थे और पिछले काफी समय से भाजपा से वो जुड़े थे, लेकिन जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई वह निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घटना है और उमेश पाल की हत्या किया जाना यह बहुत दुखद है, और समाजवादी पार्टी का ऐसे अपराध को करने वाले साजिश रखने वालों के खिलाफ अगर संबंध उजागर हो रहा है जो पुलिस प्रशासन ही सरकार को खुश करने में लगा है और डायलॉग से नहीं सुधरेगी ये सरकार, सोचती है डायलॉग से
किसी को सता के नफरत फैला के लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकती है। और ये अमेठी की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी डबल एंड ट्रिपल मर्डर हो चुका है अमेठी में, अमेठी में, इलाहाबाद में और जगह से भी सूचना उत्तर प्रदेश में आती है। अभी का सरकार जिस तरीके से डबल ट्रिपल मर्डर हो रहे हैं, क्या उनका भी इनकाउंटर करेगी? क्या इनकाउंटर यही है? और फिर मैंने सदन में कहा कि सरकार को टॉप 10, टॉप 100 सूची माफियाओं की जारी करनी चाहिए। सरकार ये जब कहती है मिट्टी में मिला देंगे, तो टॉप 10, टॉप 100 की सूची जारी करने में सरकार को क्या? सवाल ये नहीं है, सवाल डायलॉग पे चल रही है। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहिए। जो सरकार अपना डीजीपी नहीं बना पा रही हो, क्या उम्मीद करो कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? ये वो अधिकारी हैं जो सरकार तक सब इंफॉर्मेशन नहीं जाने दे रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री डायलॉग मारते हैं। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। तो वहीं सदन में इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बतोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वे कहकर रहती है इसे हम हार कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सकते हैं कि पूरी घटनाक्रम को हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं पीड़ित परिवार के पास, जहां पर हमारे सहयोगी पवन पटेल वहां पर मौजूद हैं। पवन, मौके पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है पीड़ित परिवार का? जी बिल्कुल नंदनी, लगातार अगर जब घटनाक्रम की बात की जाए तो जब से हत्याकांड हुआ है तब से यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है इनमें नेता लोग हैं जो तमाम जो है यहाँ पे समाजसेवी टाइप है और जितने यहाँ पे राजनेता है वो भी इनके परिवार से मिलने आ रहे हैं, इनको सांत्वना देने आ रहे हैं। आज इनके परिवार में बाल बनाने का जो कार्यक्रम है वो किया गया है और ये वो परिवार है, ये देखिए इसी घर के अंदर, चूंकि इस परिवार के ऊपर इतनी बड़ी जो त्रासदी है वो आई हुई है। पीड़ित जो परिवार है वो लोग इतना परेशान है कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, तो इसलिए भी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद जो परिजन है उनका उनकी तबीयत कहीं ना कहीं खराब है। घर के ज्यादातर लोग हैं वो इस समय वो दवाओं पे चल रहे हैं और दवा खा रहे हैं, इसलिए जो परिवार के लोग हैं वो परेशान हैं। हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश किया है तो परिजन जो मृतक उमेश पाल हैं उनकी मम्मी जी हैं उन्होंने बात करने के लिए कहा है, लेकिन उनकी तबीयत परिजनों के मुताबिक ठीक नहीं है, वो बीते कल से ही वो दवा खा के अभी चल रही हैं। तो जो अभी तस्वीरें हैं वो ये तस्वीरें, यही वो पीड़ित परिवार का घर है, मृतक उमेश पाल जिनको यहाँ पे गोली मारी गई थी, ऐसी घर के अंदर उनके परिवार के लोग हैं और जो अभी इनके परिवार के लोग हैं अभी, हालांकि इन्होंने थोड़ी देर बाद कहा है हम बातचीत करेंगे, लेकिन पर जो परिजनों का यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो परेशान हैं, उनकी तबीयत कहीं ना कहीं जो है वो खराब है, इसलिए अभी सामने आने को कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। लेकिन पीड़ित परिवार से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बीते कल जो इनकाउंटर हुआ उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहे गए शब्द जो है वो कहीं ना कहीं धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। जी नंदनी जी, इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो पीड़ित परिवार क्या कुछ मांग कर रहा है? देखिए प्रशासन की तरफ से तो ये साफ कह दिया गया है कि हम पीड़ित परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। अब देखिए मौजूदा समय की बात की जाए तो किसी भी जब घर में ऐसी बड़ी अनहोनी हो जाती है तो जो परिजन होते हैं वो अंदर से इतने टूट गए होते हैं कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देना उनके लिए थोड़ी सी उचित नहीं होती है। इतने बड़े घटनाक्रम को लेकर जो पीड़ित परिवार है पूरी तरीके से डरा सहमा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सरे रात सरे बाजार में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है वो पूरी तरीके से डरा सहमा हुआ। और जो मृतक है उमेश पाल उनकी पत्नी वो तब से बेसुध पड़ी हुई है और दवा खा के अभी भी अपने घर के अंदर है। उनकी जो माँ है हालांकि उन्होंने एक दो बार मीडिया के सामने आके इस बात को उन्होंने सार्वजनिक किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कराए गए जो कहे गए वादे थे वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं। जी नंदिनी जी, पवन देखिए पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सीएम योगी कह रहे हैं वहीं पर बृजेश पाठक उप मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और उनको हम न्याय दिलवा के रहेंगे। बिल्कुल, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने साफ शब्दों में आज कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के लेकर जितने भी आरोपी हैं उनको
उनको पकड़ा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और घटनाक्रम के बाद जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस बात को कहा था कि इसके जितने भी आरोपी हैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, तो वो जो बीते कल जो इनकाउंटर हुआ है कहीं ना कहीं वो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो कही गई बातें थे वो जमीनी स्तर पर देखने को मिली है। पुलिस की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज द्वारा 10 टीमों का गठन किया है। एसटीएफ लखनऊ भी इस पूरे मामले को लेकर प्रयागराज में डेरा जमाए हुए हैं। तो पुलिस की टीम लगातार कार्य कर रही है। अभी आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई देखने के जो है संदेश मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी नंदनी, कौन देखा जाए जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो क्या पीड़ित परिवार इस कार्य से संतुष्ट है? पवन, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रही है, तो क्या पीड़ित परिवार इस कार्रवाई से संतुष्ट है? पीड़ित परिवार के साथ मौके पर मौजूद थे, कहा जा रहा है कि वो कुछ भी बोलने और कहने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, पीड़ित परिवार काफी परेशान है। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार पुलिस ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है, छापेमारी की जा रही है, लगातार पुलिस एक्शन में दिख रही है। एसटीएफ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं दिन दहाड़े इस वारदात को, दिन दहाड़े इस वारदात को किस तरीके से पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाशों ने बेखौफ होकर हजारों की भीड़ में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। लगातार इस घटनाक्रम को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक बार हमारे सहयोगी पवन पटेल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए वो पीड़ित परिवार के साथ मौके पर वहां पर मौजूद हैं। पवन जी, पवन, पीड़ित परिवार से क्या कुछ बातचीत हो सकती है? हालांकि हम पूरी पीड़ित परिवार से हम बातचीत करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने बताया कि पीड़ित परिवार है, जिस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार पूरी तरीके से डरा सहमा है, और इतनी बड़ी घटना जब किसी के घर में हो जाती है तो परिवार के क्या हालात होते हैं वो समझा जा सकता है। हालांकि पीड़ित परिवार के जो लोग हैं और जो पीड़ित जो मृतक उमेश पाल है उनकी मम्मी जो है वो सामने आने को उन्होंने तैयार है। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने लंच किया और दवा खाकर अभी वो आराम कर रही है। अभी हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में वो मीडिया के सामने आ गई और उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देने की बात कही है। जिस तरीके से कल प्रयागराज में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और जो इनकाउंटर किया गया है, उनकी प्रतिक्रिया आएगी, किस तरीके की बात होगी वो बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा। जी पवन, बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार है वो बिल्कुल असमर्थ होगा बात करने में, पर वहाँ पर जो लोग महिलाएं बैठी हुई हैं, क्या कुछ उनसे बातचीत हो सकती है? हम कोशिश करेंगे। यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ देखिए ये तस्वीर है, ये महिलाएं हैं, जाए हैं, परिवार परिजन भी हैं, परिवार के लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से घटनाक्रम को लेकर यहाँ पे किस तरीके की प्रतिक्रिया है और क्या है यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसके जितने भी अपराधी उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और कल प्रयागराज पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, और ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी इसमें अपराधी हैं या जितने उन्होंने भी इसमें वारदात की है उनको बख्शा ना जाए। अभी को कल को तो खाली एक ही का इनकाउंटर हुआ है, बाकी को भी ना बख्शा जाए, जितने भी हैं उनको छोड़ा ना जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। योगी बाबा बैठे हैं तो न्याय के दाता हैं, वो न्याय दिलाएं। ये नंदिनी, ये और भी तस्वीर है, ये है भैया जी, हम आपसे भी बात करेंगे। देखिए आप परिजन के हैं और किस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ये बैठे हुए हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला, जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे घटना का संज्ञान लिया है, और आज डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी इस बात को लेकर मीडिया के सामने बात कही है कि इस पूरे प्रयागराज के इस पूरे प्रकरण को पूरी तरीके से जो भी होगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं
और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो क्या है। कल जी जिस तरीके से घटनाक्रम है, आज डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, कल जिस तरीके से यहाँ पे इनकाउंटर हुआ है पुलिस टीम के साथ, क्या कहेंगे आप, कैसा है? कहेंगे कि योगी जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आगे जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, बस समय निकालें और हमारे परिवार से मुलाकात कर लें, बस। देखिए नंदिनी, यहाँ पे एक बात सामने आई है कि जो परिवार के लोग हैं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करें, और किस तरीके से, और यहाँ पे जो अभी तक पूरे घटनाक्रम को लेकर और भी लोग हैं उनसे भी इनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि किस तरीके की, परिजन जो लोग हैं क्या अभी तक उन्होंने देखा, किस तरीके की बातें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में घटना के बाद कहा था कि जो भी अपराधी है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और जिस तरीके से कल यहाँ पे इनकाउंटर हुआ, अपराधी ढेर हुआ है और एक अपराधी को पुलिस ने पकड़ा भी है, आप परिवार के लोग हैं, चूंकि परिवार इतनी वेदना से अभी पीड़ित है तो ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों का किस तरीके से आपको लग रहा है कि जमीनी स्तर पर क्या दिख रहा है? जो भी योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि जो करेंगे अच्छा करेंगे, पीड़ित परिवार के लिए वो कुछ कदम बढ़ाएं और जो उन्हें न्याय दिलाए। नंदिनी, ये परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों ने हालांकि बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कराए जाए जो कार्य है, जो पुलिस टीमों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, जमीनी स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं वो परिजन कहीं ना कहीं संतुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन जो परिजनों ने बातचीत के दौरान बताया है कि ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। जी नंदिनी जी, बिल्कुल पवन जी, जिस तरीके से लगातार पीड़ित परिवार दिखे, ये बात निकल कर सामने आ रही है कि वो सीएम योगी से मुलाकात करना चाहते हैं, वो सीएम योगी से एक बार बातचीत करना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ इस कार्यवाही से कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम और भी लोग हैं, हम बातचीत करेंगे नंदिनी की किस तरीके से, हालांकि जो अभी तक बातें सामने आई हैं कि परिजन चाहते हैं कि सूबे के मुखिया प्रयागराज आके पीड़ित परिवार से मुलाकात करें, और भी लोग हैं, हम बातचीत और करेंगे। कितना संतुष्ट हैं आप लोग, जो अभी तक कार्रवाई हुई है कितना आप लोग संतुष्ट हैं, किस तरह की आप लोग अभी क्या चाहते हैं और क्या किस तरह कार्रवाई हुई? संतुष्ट है, हमें न्याय चाहिए, उनसे बस हाथ जोड़कर मिलती है कि जैसा एक किए हैं जितने भी हैं वो सबको ऐसे ही सबके साथ करें, इनकाउंटर कर दें सबको। ये देखिए बिल्कुल तस्वीरें हैं, और साफ तौर से जितने लोग अभी तक बातचीत किए हैं उनका कहना है कि सूबे के मुखिया द्वारा जिस तरीके से अपराधियों को लेकर जिले के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, हालांकि इस पूरे कार्रवाई से परिजन संतुष्ट है, लेकिन एक बात यहाँ पर सामने आई है कि परिजन चाहते हैं कि मुख्यमंत्री प्रयागराज आके पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। जी नंदिनी जी, पवन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं पर हमारे सहयोगी पवन पटेल पीड़ित परिवार के साथ मौजूद थे। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो सीएम योगी से मुलाकात करना चाहते हैं, जिस तरीके से प्रशासन कार्यवाही कर रही है वो इस कार्यवाही से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दोपहर 2 बजे की खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।